वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग NSP स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको NSP स्कॉलरशिप पर बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि NSP स्कॉलरशिप पर जब वो बैंक अकाउंट ऐड किए थे, यानी पहले जो बैंक अकाउंट दिए थे वो उनका बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट होने की वजह से अभी उनका बैंक अकाउंट फिर से डालने का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे 2-3 दिनों में ऐसा ऑप्शन आने वाला है उनको बैंक अकाउंट फिर से डालने का। तो वो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए और कौन सा बैंक अकाउंट वहाँ पर देना चाहिए, तो चलिए बिना की देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं NSP स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने फर्स्ट डे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो ये देखिए आपका अगर न्यू फॉर्म होगा तो न्यू पर क्लिक करना है, रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल पर क्लिक करना है। जो भी आपका फॉर्म होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो न्यू फॉर्म है जैसे कि न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए एप्लीकेंट का नेम डालेंगे, ये एप्लीकेशन आई डी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, ये जो कैप्चा नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही कैप्चा डालेंगे लॉग इन पर क्लिक करेंगे, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है। ये जैसे ही लॉग इन करेंगे तो मैं आपको स्क्रीन शॉट के द्वारा आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट का स्क्रीन शॉट है जिसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ चुका है। ये देखिए नीचे स्टेटस आपको नजर आ रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट फेल एट बैंक लेवल, यानी बैंक लेवल से स्कॉलरशिप है वो अमाउंट क्रेडिट फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन मार्क रिटर्न बाय PFMS, यानी PFMS ने क्या मार्क किया वो देखिए। अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट ऑन अकाउंट बाय बैंक, यानी वो जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट जो ऐसे रहती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऐसा किसी में बैंक अकाउंट में ऐसा रहता है कि उसमें लिमिट होती है। यानी लिमिट का मतलब होता है कि आप इतने ही पैसे उसमें क्रेडिट कर सकते हैं या फिर इतनी उसमें अमाउंट जमा कर सकते हैं, यानी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐसी लिमिट होती है। तो ऐसे अकाउंट को आप बिल्कुल भी इसमें ऐड ना कीजिए। ये ऐसा आपको आपका जब स्टेटस आप लॉगिन करके चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो नज़र आने के बाद कि आप क्या करेंगे, तो ये देखिए उनको एक स्टूडेंट ने मेल किया था, तो मेल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस उन्होंने यहाँ पर जब रिप्लाई दिए थे मेल का, तो यहाँ पर लिखे आया था, सर इन सम टाइम द डिपार्टमेंट विल सेंड द मैसेज टू एप्लीकेट टू अपडेट द अकाउंट डिटेल्स विच नीड टू बी डन विच विद इन 15 डेज रिसिप्ट ऑफ द मैसेज द एप्लीकेंट नीड टू प्रोवाइड न्यू अकाउंट विथ विच द आधार इज सक्सीड, यानी जो आधार नंबर जिस अकाउंट से लिंक है वो अकाउंट नंबर आपको वहाँ पर ऐड करना है। तो आधार नंबर आप कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, मैं आपको गूगल पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए जैसे आप गूगल पर आएंगे, गूगल पर आप टाइप करेंगे यहाँ पर आके, ये देखिए लिंक आधार टू बैंक। यहाँ पर जैसे आप लिंक आधार टू बैंक डालेंगे यहाँ पर फर्स्ट जो वेबसाइट आएंगी है यहाँ पर देखिए चेक आधार बैंक अकाउंट लिंक स्टेटस। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नीचे नजर आएगा। ये देखिए आप वर्चुअल आईडी से भी चेक कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी यानी नीचे आधार कार्ड के नीचे आईडी रहती है वर्चुअल आईडी, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आधार कार्ड का 12 डिजिट आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। डालने के बाद ये जो आपके सामने नीचे कोड नजर आ रहा है तो उसको यहाँ पर इंटर करेंगे, यानी वेरिफिकेशन कोड, सिक्योरिटी कोड, जो भी आप बोल सकते हैं वहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद ये देखिए सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसके ऊपर OTP जाएगा। OTP जाने के बाद इंटर OTP करके उस OTP को इंटर करेंगे। तो इंटर जैसे आप OTP को करेंगे तो आपके सामने नज़र आएगा कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन के नीचे नज़र आएगा आपको कि आपके आधार कार्ड से कौन सा जो बैंक अकाउंट है वो लिंक है, तो वही आपके जो बैंक अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से तो वही अकाउंट इसमें अपडेट आप कीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा प्रोसेस। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट नंबर लिंक है। कहते हैं कि आप आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो चेक करने के बाद आपका ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपको साइट में जो ऑप्शन होता है आपके जो आप जब लॉगिन करते हैं तो ऐसे साइट में ऑप्शन होता है, तो इसमें ऐड अकाउंट नंबर करके आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऐड अकाउंट नंबर करके आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट नंबर अगर फिर से इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर है वो ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में न्यू अपडेट। तो आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि कौन सा आपको अकाउंट नंबर है वहाँ पर सबमिट करना है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है, और आधार कार्ड से लिंक अकाउंट नंबर भी आपको बता दिया कि कैसे चेक करना है। तो वही लिंक अकाउंट जो रहेगा वो किसी भी बैंक का रहें दो, तो लिंक अकाउंट जो रहेगा वो वहाँ पर अपडेट आपको करना है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो आखिर तक अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ऐसे आपको जब जैसे आप अपडेट कर लेंगे तो आपके विद इन 15 डेज आपको वो अपडेट करना है। तो अपडेट करने के बाद आपको मंथ के अंदर आपको पेमेंट आपकी देखने के लिए आपको अकाउंट नंबर के अकाउंट के अंदर मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।